और अब बात इंटरनेशनल तस्कर का खेल खल्लास की, क्योंकि हम जिस गौ तस्कर की बात कर रहे हैं उसकी तलाश यूपी, दिल्ली, पंजाब समेत 11 से ज्यादा राज्यों में थी। वो जुर्म का इतना बड़ा खिलाड़ी था कि उसकी धमक दूसरे देशों तक सुनाई देती थी। ये मेरठ की एक मामूली ड्राइवर की गौ तस्करी करते करते गौवंश मीट का एक ऐसा सिंडिकेट बन जाने की कहानी है जिसका माया जाल बांग्लादेश तक फैला था। ये अकबर बंजारा की कहानी है जिसके गैंग में 150 से ज्यादा गुर्गे थे, लेकिन अब पुलिस ने उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन जब इस इंटरनेशनल तस्कर का एनकाउंटर हुआ तो ऐसा ही नजारा था जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। रात के 1:30 बज रहे थे, पुलिस गौ तस्करी के रूट की परत खोल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। मुठभेड़ में ढेर हुआ गौ तस्कर बंजारा। मेरठ के इंटरनेशनल तस्कर का खेल खल्लास, नाम अकबर बंजारा, काम गौ तस्करी, गिरोह 150 गुर्गे, नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश, साम्राज्य करीब 1,000 करोड़ रुपए। मेरठ के फलावदा से निकलकर वो जुर्म की दुनिया में गौ तस्करी का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन कानून की आंख में धूल झोंकने वाले बंजारा का खेल असम पुलिस के एनकाउंटर में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूपी के दो गौ तस्कर भाइयों अकबर बंजारा और सलमान को असम पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मेरठ के फलावदा के रहने वाले अकबर बंजारा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। बीते 13 अप्रैल को मेरठ की थाना फलावदा पुलिस और एसओजी ने अकबर बंजारा को गिरफ्तार किया था। एक ट्रक ड्राइवर कैसे बना इंटरनेशनल डॉन? अकबर बंजारा की क्राइम कुंडली, गौ तस्कर की हिंडन मंडली। गौ तस्कर अकबर बंजारा का खेल खल्लास हो चुका है, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर कैसे इंटरनेशनल डॉन बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस अकबर बंजारा की दहशत आंध्र प्रदेश से असम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चलती थी, उसे यूपी में कोई नहीं जानता था। मेरठ की तंग गलियां और फलावदा का यह मकान गौ तस्कर अकबर बंजारा की सिर्फ एक पहचान है, या यूं कहें कि अकबर बंजारा की जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना है। क्योंकि वो साल 2015 का था जब पूरे देश में गौ तस्करी का मुद्दा गर्म था। इसी साल अकबर बंजारा गौ तस्करी के गोरख धंधे में उतरा। दरअसल अकबर बंजारा को ये बात समझ आ गई थी कि गौ तस्करी के धंधे में रिस्क तो है, लेकिन अगर उसकी गाड़ी चल निकली तो दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। जिस 2 लाख के इनामी पशु तस्कर अकबर बंजारा को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस अकबर बंजारा का फलावदा में यही वो मकान है जो आलिशान मकान है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस मकान पर यहाँ ताला लगा हुआ है और सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं इस मकान पर, वो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। ठीक इस मकान के बराबर में एक और मकान जो आप निर्माणाधीन देख रहे हैं वो भी अकबर बंजारा का मकान बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि खाली ये 2 मकान ही नहीं बल्कि ना जाने ऐसे कितने मकान अकबर बंजारा के पास है। 1,000 करोड़ का मालिक, गौ तस्कर का मास्टरमाइंड, नॉर्थ ईस्ट टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी अकबर बंजारा ने अपने जुर्म की शुरुआत असम में गौ तस्करी के छोटे से काम से की, लेकिन कम वक्त में ही उसने बड़ा नाम कमा लिया और फिर उसके नाम की चर्चा दूर दराज के इलाकों में होने लगी। तभी अकबर बंजारा आंध्र प्रदेश से विदेशों तक गौ तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले रवि रेड्डी के संपर्क में आया। इसके बाद अकबर बंजारा और ज्यादा ताकतवर हो गया। मेघालय, मिजोरम, असम समेत आसपास के इलाकों में अकबर बंजारा की तूती बोलने लगी। मेघालय के रास्ते उसने बांग्लादेश तक
गौ तस्करी शुरू कर दी। ये लोग बांग्लादेश तक बंद बॉडी के कंटेनर से गोवंश पहुंचाते थे। धीरे धीरे वो करोड़ों और फिर अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। इस दौरान अकबर बंजारा ने कई सफेदपोश नेताओं के साथ पैठ बना ली, जहां अकबर बंजारा नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश तक अपना काला साम्राज्य फैला रहा था। वहीं अकबर बंजारा का भाई सलमान गोमांस की सप्लाई कर मेरठ, बिजनौर और आसपास दूसरे जिलों में करोड़ों की संपत्ति बना रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर यूपी में करीब 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाई। पुलिस दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत संपत्ति जब्त करने की तैयारी में थी। यूपी पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी लेटर लिखा था ताकि उसकी संपत्ति की जांच हो सके। इसी दौरान अकबर बंजारा पर इनाम भी घोषित हो गया, जो बढ़ते बढ़ते 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। लेकिन जब अकबर बंजारा असम पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका खेल खत्म हो गया। अकबर बंजारा की संपत्ति के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अकबर बंजारा का साम्राज्य यूपी, असम और नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक फैला था। आंध्र प्रदेश में कई एकड़ में फार्म हाउस बनाया था, जबकि कई राज्यों में इसके होटल हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक फार्म हाउस है जहां मीट और गोवंश के ट्रक खड़े किए जाते हैं, जो मौका देखते ही बांग्लादेश भेज दिए जाते थे। असम में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मेरठ के पौश इलाके शास्त्री नगर में सेक्टर 10 में आलीशान कोठी, मेरठ के फलावदा में कई आलीशान मकान, मेरठ के बहसुमा में करीब 150 बीघा जमीन, मेरठ के ही मैलका में 25 बीघा, नारनौल में 15 बीघा, मारवाड़ी में 20 बीघा, बदनौरा में 9 बीघा और एक जगह करीब 100 बीघे का बाग भी खरीदा था। मेरठ के लिसाड़ी गेट में 15 दुकानें इन दोनों भाइयों के नाम थी। लिसाड़ी गेट इलाके में ही 3 मकान भी हैं। रिश्तेदार के नाम मेरठ में अरबों की जमीन है। पंजाब में भी कई करोड़ रुपए की संपत्ति है। दिल्ली और मुंबई में कई फ्लैट है। अकबर बंजारा ने जो काला धन कमाया उससे देहात के इलाकों में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी गई, और इसी तरीके से शहर के इलाकों में भी। ये है शहर का सबसे पॉश इलाका शास्त्री नगर सेक्टर 10, और ये अकबर बंजारा का वो आलीशान कोठी है कि जिसको अभी बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ही अकबर बंजारा ने खरीदा था। हालांकि जब से अकबर बंजारा की गिरफ्तारी हुई है तब से इस कोठी पर ना तो लाइट जली है ना यहाँ पर कोई नजर आ रहा है। लेकिन जैसे हर गुनहगार का एक दिन खात्मा हो जाता है, ठीक उसी तरह अकबर बंजारा का खेल भी खत्म हो गया। लेकिन अकबर बंजारा के जुर्म की दास्तान कई सवाल खड़े करती है कि आखिर एक गुनाहगार को कैसे इतना बड़ा होने दिया गया, क्यों वक्त रहते उसे खत्म नहीं किया गया। मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।